इसमें गिनती की जाता लौट ये हमको ये बताया कि यहाँ जो महंत है वो आपके कौन लगते हैं? हमारा बहन बेटा लगते हैं। तो महंत को क्या शादी करना एकदम कंपलसरी होता है या नहीं, ये बता। हम भी निगलेक्ट किए हैं। अच्छा, हम भी निगलेक्ट किए हैं, महंत नहीं माने तो उसके लिए हम बहुत बिगड़े हैं, पूछिए ग्रामीण लोग से। लेकिन अभी जो जहाँ सुनिए ना सर, जहाँ चलेगा ग्रामीण लोग से हम बात करा देंगे, नहीं बुझे तो हम भी उनका प्रतिक्रिया है। लेकिन अभी जो वो महिला अंदर में बंद है, अभी अगर उसकी तबीयत खराब हो जाए, उस बच्चे की तबीयत खराब हो तो क्या होगा, अभी ये बताए हमको। वो बंद है से तनी उसमें विशेष बात है। क्या विशेष है? वो औरत से 10 बार भागी है। अच्छा अच्छा, इसलिए उसको बंद कर देते हैं, जब आएंगे तब खोलेंगे। क्या नाम है आपका? हमारा नाम। इससे पहले मुखिया जी के द्वारा एक आवेदन न्यास बोर्ड में दे दिया गया है कि मदन दास संपत्ति का दुरुपयोग कर रहा है और वो साधु है नहीं, आचरणहीन है और संपत्ति का दुरुपयोग कर रहे हैं। इसके अलावा उन्होंने 3 बीघा जमीन भी बेच दिया, इसलिए तत्काल प्रभाव से उनको हटाया जाए और पारिवारिक कोई भी लोग को यहाँ रहने से वंचित कर दिया जाए। और यह आदेश जब तक बोर्ड से प्राप्त होता है तब तक के लिए गांव के लोग एक न्यास कमेटी बना करके और इसका संचालन व्यवस्था सुनिश्चित करेंगे, फिर न्यास बोर्ड का आगे जैसा आदेश होगा। तो आप लोग बोर्ड से कितने लोग हैं? हम बोर्ड से हम अकेले हैं। अकेले आए हैं जी, बाकी सब आपके साथी हैं? हाँ, हमारे संप्रदाय के, हमारे मंडल के साधु संत हैं। हम अंदर अथिन तब जब आई तब घर चले अथिन तब मान गई जब आ न घर की हमारा कहब तब हम तो कुछ न जन आबो कल तो एक दिन अलिये तो हम अठन बैठलिए पिछला मीटिंग में हो गए। अच्छा, यह बताइए यहाँ जो मठ की जमीन है जी, बंगरा पंचायत में कै गो मठ है आप बताइए ना? गो मठ है। अच्छा, एक बंगरा पंचायत में बंगरा मठ है, एक सरसोना मठ है, एक बच मठ है। सरसोना मठ से चलते हैं बच मठ की तरफ। तीनों की कंडीशन क्या है? एक सेकेंड, ये प्रेजेंट अभी यहाँ का जमीन फिलहाल कब्जा में है। किसके कब्जा में? यहाँ का जो प्रेजेंट इंसान है, कौन नाम? मदन दास, उनके कब्जा में है। और दूसरा नंबर सरसोना मठ का लेके चलिए, 12 कट्ठा जमीन मठ का बचा हुआ है, बाकी जमीन कहाँ है? उसके बाद चलिए बच मठ पे, बच मठ पे क्या बचा हुआ है उस चीज़ को देखिए। और इसके अलावा हम कुछ नहीं कहेंगे, जो बाकी इंसान खोजना चाहते हैं, जो बेचा है उस चीज़ पर उसका सही या गलत कार्रवाई किया जाएगा। सही या गलत? सही मतलब गलत नहीं, गलत किया है तो कार्रवाई किया जाएगा। सही बेचे हैं क्या? बेचे हैं तो कार्रवाई करेंगे। जो क्या नाम है आपका? मेरा नाम गुड्डू कुमार है। घर? घर मेरा मुरादपुर बंगरा जी। बताइएगा यहाँ जो मठ वाली जमीन को लेके जो मामला चल रहा है, इस पे क्या कहना चाहते हैं? मुरादपुर बंगला में ये तो सदियों से मठ है, बहुत सदियों से मठ का संपत्ति है, श्री बुनियाद साहब के नाम से ये मठ है। लेकिन जो मंथ है, यहाँ के महंत हैं, उनका कहना है कि ये मेरा निजी जमीन है। जी नहीं, निजी नहीं। अगर महंत आप हैं तो क्या शादी जरूरी है? जी नहीं, अविवाहिता महंत ही होते हैं। और जो विवाहिता मंत्र बनना चाहता है उसको क्या कहना चाहते हैं? नहीं रह सकते हैं, हम लोग का डॉक्यूमेंट है ये पूरे मजहम जो ये बुनियाद रामी संप्रदाय है उसका एक डॉक्यूमेंट बना हुआ है कि जो भी महंत होंगे वो अविवाहिता ही महंत होंगे। यह नहीं, जितना 360 झोपड़ा है उसमें सब अविवाहिता ही महंत होंगे, विवाहिता नहीं। 360 झोपड़ा कहाँ के बारे में बता रहे हैं? पूरे बिहार में, समस्तीपुर, मुजफ्फरपुर, सीतामढ़ी, मोतिहारी, पूर्वी चंपारण, मधुबनी, दरभंगा, सब पूरे जिला में है, मुंगेर, सहरसा। आप तो यहाँ के भी मन रह चुके हैं मान? जी नहीं, हम नहीं, हमारे गुरुजी थे। गुरुजी थे, क्या नाम था गुरुजी का? श्री श्री 108 महंत बाबा स्वर्गीय राम गोविंद दास जी महाराज। तो आप लोगों की भी शादी नहीं होगी? जी नहीं, अभी गायता है। तो यहाँ जो महंत ने शादी कर रखी है दो, उस पे क्या कहना चाहते हैं? महंत है कहाँ, कौन महंत बनाया?
हमारे जो बुनियाद रामी संप्रदाय के संत महंत हैं, कोई महंत इनको महंती चादर पगड़ी दिए थे? कोई नहीं, जबरदस्ती दखल किए हुए हैं, बर्बाद कर रहे हैं मठ का संपत्ति। अब क्या कीजिएगा आप लोग? हम लोग तो चाहेंगे कि मठ खाली हो, संस्था बरकरार हो जाए, संस्था चले। क्या नाम है आपका? श्रवण दास। आज आप लोग किस लिए यहाँ आए हैं? हम यहाँ आलिए कि सब दिन से बाबा जी के पंचायती होते ही भगते होते कोई ना भगे घर में रह तो वह देखे आलिए। अच्छा अच्छा, हाँ। पंचायती किस बात का हो रहा है चाचा? खाली लेडी घर में तीन तीन गो ब्याह करे मठ में, तीन तीन गो ब्याह भले है मठ कथी ला भेल मठ भले साधु संत ला अतय जतय खतय पीतय रहते अहियाँ तो कोई के घीन दै छै खाली मगे के टिकट देता हो गया बाबा जी तो ना चाहिए। अच्छा अच्छा, आप लोग कैसा महंत चाहते हैं यहाँ? हम बढ़िया महंत चाहते कि सब सेवा करे और रहे अच्छा से, पूजा पाठ वगैरह करे यहाँ। हाँ, पूजा पाठ आज तक कभी एगो भलावा के मंदिर बन जाए? पूजा पाठ कभी हुआ है कि नहीं यहाँ? कहियो नहीं, कभी नहीं हुआ। आप तो ऐसे हम ना हथिये, बहुत दिन से हथिये, कुछ ना होइ इनका बे सब कुछ ना दिया। ये कितना दिन से है? हो गए तैयो 50 साल 20 बरस से होता है, 20 साल से पूजा हुआ ही नहीं यहाँ मठ पे। लेकिन वो तो एक आरोप भी लगा है, झूठ बाबा कह रहे हैं कि परेशान करते हैं हमको। मठ अबै छै साधु संत के लिए बेच ले जा, अढ़ाई बीघा जमीन बिक गेल सबके घर बन गेल कि हुनकर जमीन है बाबू जी के, मठ के जमीन है तो कला बिक गेल कला ले लेल। अब आप लोग कब यहाँ से जाइएगा? लेकिन फैसला कराइएगा, जाइएगा वगैरह यहाँ आए हैं, किन मामलों को लेके और आप खुद भी आए हैं जरा बताइएगा। आज यहाँ ये मठ की एक संपत्ति है जिसको कुछ लोग इसको अवैध कब्जा करके और इसको बेच रहे थे, तो आज यहाँ सभी ग्रामीणों के सहयोग से और सभी प्रतिनिधियों के सहयोग से एक कमेटी बनने वाली थी, जो कमेटी बना के जो इसका देख रेख होगा और इसको जो मठ का संचालन होगा सही रूप से चलाया जाएगा। लेकिन मठ पे जो कब्जा किए हुए हैं वो यहाँ से गायब हैं और इधर उधर गलत मैसेज डाल रहे हैं कि मेरा घर है ये है, तो ये 1760 से ये मठ है और ये तो अभी आए हैं, तो इनका घर 1760 में नहीं बन गया था, यहाँ सीतामढ़ी के रहने वाले लोग हैं, तो हम लोग इसी में आए थे कि कमेटी मिट्टी बनाएंगे, लेकिन खुद नहीं रहने के कारण आज ये काम नहीं हो पाएगा, फिर से नया समय निकाला जाएगा इसके लिए और उस दिन हम लोग बैठ के इसको अति करेंगे। कमेटी आज बन गई है, कमेटी के अनुसार आगे जो भी कार्रवाई किया जाएगा हम लोग करेंगे। प्रशासनिक पदाधिकारी किसी को इन्फॉर्मेशन दिया कि नहीं इस बात को लेके? नहीं, हम लोगों ने तो अभी तो सामाजिक बैठक थी, न्यास बोर्ड को इसका सारा सूचना दिया हुआ है, न्यास बोर्ड के आदेश अनुसार यहाँ काम हो रहा था, लेकिन ये जो भूमिपति है जो यहाँ भूमि पर कब्जा किए हुए हैं वो पैसे ले देकर इधर उधर से प्रशासन से अपना दबाव दबा रहे हैं, कैसे लोग इस मैटर को भूल जाए, तो हम लोग इस मैटर को दूर तक लेके जाएंगे, भूलने वाले नहीं है। क्या नाम है आपका? विनय कुमार बाबलू, मुरादपुर मंगला।